दोस्तों कभी कभी आप कुछ ऐसी रेल यात्राओं पर निकलते हैं जहाँ पे आप घर से सोच के तो ये निकलते हो कि ट्रेन में कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाना, पर रास्ते में ऐसा कुछ हो जाता है कि आप जो है व्लॉग बनाने लग जाते हैं। तो आज की यात्रा दोस्तों हम लोग करने वाले हैं सैनिक एक्सप्रेस में, जहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा ही किस्सा जो है हुआ था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपको यात्रा कराते हैं सैनिक एक्सप्रेस में। सैनिक एक्सप्रेस दिल्ली से जयपुर के बीच में चलने वाली एक ऐसी गाड़ी है जो कि लंबा रास्ता घूम करके जाती है। देखो, दिल्ली से जयपुर जाने का एक बड़ा सिंपल रास्ता अलवर वगैरह होते हैं, रेवाड़ी से अलवर के रास्ते, ठीक है, जो कि लगभग 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और अमूमन गाड़ी 4-4.5 घंटे 5 घंटे को रास्ते को कवर कर लेती है, लेकिन ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी आपका लोहारू रिंगस चूरू होते हुए जो है जयपुर पहुँचती नहीं है। चूरू नहीं है, अच्छा। तो ये गाड़ी जो है लोहारू चूरू वगैरह होते हुए सीकर के रास्ते जो है जयपुर पहुंचती है, और जिसके कारण इस ट्रेन को लगभग 8.5 घंटा या लगभग 9 घंटे के आसपास का जो है टाइम लग जाता है जयपुर पहुंचने में। अच्छा, आज एक और कांड हो गया। एक तो पहली बार मैं इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, और पहली बार कांड क्या हो गया, 11:30 ही ट्रेन निकलनी थी, खैर अभी 1:15 बज रहा है, हम पुरानी दिल्ली पे खड़े हैं क्योंकि हमारी गाड़ी रीशेड्यूल हो चुकी है, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, कब पहुंचेंगे कल, कुछ नहीं पता, फिर भी जर्नी को शुरू करते हैं। तो अपनी जो गाड़ी 1 बजे यहाँ से निकल जानी थी पूजा एक्सप्रेस के चक्कर में, वो गाड़ी अभी तक नहीं निकली। और तुम्हें पूजा के बारे में बताऊँ तो पूजा एक्सप्रेस रेवाड़ी शाम को रात को 8 बजे आ गई थी, और अभी रेवाड़ी से यहाँ तक लाने में उस गाड़ी को देखो कितना 4-5 घंटा लग गया गाड़ी को यहाँ तक पहुँचने में। भाई बहुत ज़्यादा वो गाड़ी फुल पिला के चली। अब जब तक वो गाड़ी पूरा यार्ड में, मतलब नई दिल्ली पुरानी दिल्ली आएगी, उसके बाद हमें क्रेज मिलेगी। फिर से हमको जो है मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी जो है 1 बजे के लिए रीशेड्यूल कर दी गई है, उसके बावजूद हमारी गाड़ी को रात को 1:45 बजे यानी कि 1:45 के बाद ही जो है डिपार्चर मिला प्लेटफॉर्म नंबर 3 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। एंड यही कारण था कि हमने डिसाइड करा कि हम इस ट्रेन में व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि अगर इस ट्रेन के हम नॉर्मल टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 8:30 बजे जयपुर पहुँच जाती है, एंड उसके बाद इसमें वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं होता। और हमने सिर्फ सोने के हिसाब से, रात को सोते हुए ट्रैवल करने के हिसाब से इसमें जो है टिकट कटवाई थी, बट जैसे ही इस ट्रेन को रीशेड्यूल किया जाता है तो हमने कहा कि वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज रूट नया है एंड रूट काफ़ी अलग है। और जब हम सो के उड़ते हैं दोस्तों तो हमें कुछ और ही नज़ारे देखने को मिलते हैं, ये गाड़ी यथा लेट हो चुकी होती है। उसके बाद हम चल रहे हैं अंदर सोने नींदी करने, और क्योंकि इसके आगे की बातचीत हुआ है अभी तो मैं करने के मूड में नहीं हूँ। और देखो यहाँ पे प्रॉपर गेट बंद है, एक लॉक यहाँ, देखो 3 लॉक लगे हुए इस वक्त, एक लॉक ये लगता है, ठीक है, दूसरा लॉक वहाँ कुंड वो लगता है, और तीसरा लॉक आपके सामने ये है ही। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग जो है लोहारू ही पहुँचे हैं, और ये गाड़ी का जो ये वाला जो रास्ता स्टेशन था काफ़ी रात को ही गुजर जाना चाहिए था, स्टिल हम लोग अभी यहीं पहुँचे क्योंकि गाड़ी हमारी लगभग 4 घंटा के आसपास जो है लेट हो चुकी है। एंड मेरे को नहीं पता था ये बात कि इस ट्रेन का यहाँ पे ना रिवर्सल भी होता है, तो इस ट्रेन का भी रिवर्सल होगा यहाँ पे, एंड वहाँ हमें पता चलेगा कि इस ट्रेन को कौन सा जो है लिंक, यानी कि आज की जो हमारी पावर है वो क्या है। मेरे ख्याल से मुझे कोई डीजल लोकोमोटिव ही लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डीजल की ही आवाज़ आ रही थी, ठीक है। और ये है हमारा B4 कोच जिसको आप आज सुबह की लाइट में देख रहे हो, और स्टेशन काफ़ी सुंदर सा हो रखा है, मतलब क्योंकि बारिश वारिश हो चुकी है, नीम के पौधे पड़े हैं, दातुन वातुन बिखरे हुए सारे नीम पे से। अभी अपना जो है रिवर्सल वाला जो लोकोमोटिव है वो हमारे बगल में से गुजरेगा, तभी उसको जो है देख लेंगे, और हम लोग एकदम सेंटर में हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी के रिवर्सल होने से, बिकॉज हमारे व्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो है डीएल टीवी, हाँ डीएल टीवी, हाँ डीजल लोको सेट टुक लगा बाद लगभग आधा घंटा खड़ा करने के बाद अंदर आना है। यहाँ गेट खुलेगा नहीं है,
तो लगभग आधा घंटा खड़ा करने के बाद हमारी ट्रेन को जो है डिपार्चर दे दिया गया स्टेशन से। भाई जगह नहीं है, खड़े होने की भी जगह नहीं है यहाँ पे यार। तो दोस्तों अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करेंगे तो ये समस्या आपको जरूर से फेस करनी पड़ेगी। आप चाहे एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हो या स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहे हो, जो नॉर्मल डेली चलने वाली पब्लिक है वो बस चढ़ जाएगी। एंड जस्ट बिकॉज एसी कोचेस में एक मेरे कोच का जो है गेट ओपन था, तो भाई जिसको जो जो दिख रहा था वो सब उसमें जो है चढ़ता जा रहा था। अब दोस्तों क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है वो थोड़ा सा वीरान टाइप है, तो लोहारू से ही हम लोगों ने अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट पिक कर लिया था और रेलवे स्टेशन पे हमको ये मिक्स पकौड़े वगैरह ही जो है मिले थे। वैसे तो इतनी सुबह सुबह ऑयली खाना सही लगता, बट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और जयपुर तक हमें इसके बाद कहीं कुछ और मिलने वाला नहीं था। ठीक है, ये ट्रेन का अंदर से जो है इंटीरियर है, अभी लोग सोए पड़े हैं काफ़ी हद तक, कुछ लोग जो है उठे हैं क्योंकि ट्रेन जो है लेट चल रही है और हम लोगों ने यहाँ अपना ब्रेकफास्ट करना भी जो है स्टार्ट कर दिया। तो ये है मिक्स पकौड़ों की प्लेट, ठीक है, और ब्रेड पकौड़े यहाँ पे हम जो है फिनिश कर चुके हैं। एंड बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, ठीक है, एंड ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक शॉट लेने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके की जो है बारिश हो रखी है, बिल्कुल मतलब रोड डूब गया है, डिवाइडर डूब गया है, इतना भयंकर लेवल का जो है वाटर लॉगिंग हो रखी है यहाँ पर। तो लगभग 15 से 20 मिनट से हम लोग नवलगढ़ नाम के एक स्टेशन पर खड़े हुए हैं, ठीक है, एंड सिंगल लाइन सेक्शन है क्योंकि सारा तो हो सकता है कोई क्रॉसिंग वगैरह होनी हो, इस चक्कर में मैं खड़ा कर रखा है, बट अभी तक किसी क्रॉसिंग वगैरह तो आता पता है नहीं। एंड काफ़ी सारे लोग, मतलब ट्रेन के जितने भी लोग हैं ना दोस्तों, वो देख सकते हो आप लोग ऐसे ट्रैक्स वगैरह पे बैठे हुए हैं क्योंकि सारे सिग्नल रेड पड़े हुए हैं। तो सामने भी देखो जितनी भी भीड़ है, सब लोग ट्रैक वगैरह पे बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कभी आए। अबे चेक करना थोड़ा सा, तो लगभग दोस्तों आधे घंटे से कुछ ज़्यादा नवलगढ़ पे खड़े होने के बाद इस पैसेंजर के लिए अब फाइनली हमको नवलगढ़ से जो है डिपार्चर दे दिया है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए हमें वहाँ पे, जो मुझे वेव कर रहे थे जस्ट अभी। मेरे लिए तो रूट एकदम नया सा है। कृपया नक्षत्र या। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जो है सीकर पहुंच चुके हैं और अभी 9:49 या 50 मिनट हो चुके हैं। स्केड्यूल टाइम के हिसाब से बात करो तो अब तक हम लोग जयपुर के अपने रिटायरिंग रूम में पड़े हुए होते, लेकिन अभी तक हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा जी। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर चूरू से एक लाइन आ करके मिलती है, ठीक है, और हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे अपना रिंगस वैली लाइन, फिर दहरका बालाजी होते हुए सीधे हमारी गाड़ी पहुँचेगी जयपुर। काफ़ी भीड़ है दोस्तों ट्रेन के अंदर, मतलब हाँ काफ़ी भीड़ है दोस्तों आसपास। तो यहाँ पे हमारा जो है डिपार्चर हो गया है सीकर जंक्शन से, और 5 मिनट बस रोक करके गाड़ी निकाल दी। यहाँ पे समोसे वमोसे मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ मिल रहा है, बट हम लोग नाश्ता कर चुके हैं तो हम लोग अपना वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। समोसे प्याज को छोड़िए, प्याज होगी नहीं होगी इसके अंदर ये नहीं पता। सिंगाड़ी मिल रहे हैं, सिंगाड़ी आलू चॉप, आलू चॉप, आलू चॉप, आलू चॉप, झालमुड़ी, झालमुड़ी, झालमुड़ी,
कई सारे स्टेशनों पे तो बिना आलू वाले ब्रेड पकौड़े मिलते हैं। डिम खावे डिम 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 चना चटपटी चना चटपटी चना चटपटी और उसको क्या बोलते चिनिया 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 गमचा गमचा सूती गमचा तो सीकर से निकल चुके दोस्तों हम। यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है रिंगस पहुँच चुकी है एंड रेवाड़ी से भी एक रास्ता कटता है जो सीधा आपको रिंगस लेकर के आता है। तो और जो रिंगस स्टेशन है ना दोस्तों, ये एक्चुअली यूज़ होता है खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए। खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे फेमस बहुत, तो लोगों को जब खाटू श्याम मंदिर जाना होता है उनको ट्रेन से अगर जाना होता है तो लोग रिंगस उतरते हैं, यहाँ से ऑटो वगैरह करते हैं और फिर जो है वहाँ पहुँचते हैं मंदिर बिल्कुल पास में। और हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है रिंगस पे, अब इस ट्रेन में ज़्यादा कुछ लोग नहीं है। तो जैसा मैं आपको जो है बता रहा था कि रिंगस पे काफ़ी सारी जो पब्लिक उतरती है खाटू श्याम मंदिर वगैरह के लिए, तो आप देख सकते हैं ये सारी पब्लिक जो है ना इसी ट्रेन में से दोस्तों उतरी है। और अभी ये ट्रेन चलती है थोड़ा रुकने के बाद, इससे पहले यहाँ पे इतनी पब्लिक उतरी थी कि मैंने पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पे RPF वगैरह को मैनेज करते हुए देखा किसी ट्रेन के अराइवल के टाइम पे। ये दोस्तों हमने अलविदा कह दिया रिंगस को, अब मेन स्टेशन हमारा जयपुर ही है इसके बाद। काइंड अच्छा वो उधर से आएगा भाई, क्या मौसम हो रखा है। बारह सौ है जयपुर में गंदा वाला, जयपुर नहीं तो उसके आगे की तरफ बहुत गंदा बरस रहा होगा। कितना बड़ा है यार ये, इसने तो उसकी याद दिला दी कटरा की। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है लहर का बालाजी जो कि हमारा पेनल्टीमेट हॉल्ट है, जिसके बाद जयपुर आ जाएगा। और ज़्यादा दूरी तक सस्ता मिलती, टाइम हो गया 11:34, कहाँ इस गाड़ी को 8:30 बजे जयपुर पहुंचना था, कहाँ 11:30 बजे भी हम जयपुर के आउटर पे खड़े हैं। तो ये हम दोस्तों लहर का बालाजी से जो है डिपार्चर ले लिया हमने। मतलब हमें ये रोका नहीं होता ना अगर, तो इतनी बढ़िया परफेक्ट क्रॉसिंग मिलती। ये गाड़ी डिजर्व नहीं करती है लेकिन सैनिक जम्मू तभी अजमेर पूजा 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 होगी ना। हाँ जी अजमेर जा रही है, अभी शाम को फिर वापस आएगी। लेट कर रही है अभी। हाँ 4 बजे तो इसकी वापस है, 4:40 का टाइम है इसका जयपुर पे।
तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ जयपुर पहुँच चुकी है एंड लगभग 11:50 हो रहे हैं अभी। तो 8:30 इसको यहाँ पहुँचना था, 8:30 से 11:30 3 घंटे 10 मिनट के आसपास जो है लेट है, थोड़ा बहुत स्लैक दे रखा है क्योंकि रास्ते में 4-4.5 घंटा लेट हो गई थी गाड़ी। अगर आपको दिल्ली से जयपुर आना है, गाड़ी अच्छी है और एसी कराओ, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक मिलेगी आपको। बस आज थोड़ा लेट हो गई थी, लेट भी इसलिए होती है क्योंकि ये एक ट्रेन के साथ का RS है बठिंडा दिल्ली के साथ में, बठिंडा चल कर दिल्ली आती है, तो वो गाड़ी आने में लेट हो गई थी इसलिए हमारी गाड़ी रीस्केड्यूल हुई। और रीस्केड्यूल होने के बाद वो फिर पूरे सेक्शन में लेट 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 होती ही आगे चली गई। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।